नॉइज़ पोल्यूशन की। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? जितना हमारे कान आवाज़ अंडरस्टूड करता है, जितना समझ सकता है, जो हमें लगता है कि हमारे कान बर्दाश्त कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए बस आवाज़ है या नॉइज़ है। उससे ज़्यादा अगर लिमिट एक्सीड होती, जो हमारे कानों को चिड़चिड़ापन दे या हमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो, हम उसको नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर कंसिडर करते हैं। पर्टिकुलरली नॉइज़ पोल्यूशन में ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या होता है कि जब हमको रेस्टलेसनेस या डिसकंफर्ट फील होने लगे किसी भी आवाज़ से जो हमारी लिमिट को एक्सीड कर रही है, जो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही है, या फिर हाई इंटेंसिटी साउंड है जैसे डीजे, और वो जब तक हमें अच्छा लग रहा है वो नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर नहीं आएगी, लेकिन जब हमें वो आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो हमारी नॉइज़ पोल्यूशन के लिए आएगी। या आवाज़ अधिक तेज होने पर, ध्वनि अगर आवश्यकता से ज़्यादा तेज है तो हम उसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि हम गाना सुनते हैं, नॉर्मल आवाज़ में हम सुनते हैं तो वो हमको मेलोडियस लगता है, सूदिंग लगता है, क्योंकि हमें वो गाना अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर वो बहुत शोर होता है और हमारे कानों को वो अच्छा नहीं लग रहा है तो वो नॉइज़ पोल्यूशन में आ जाएगा। आवाज़ एक लिमिट तक अच्छी होती है, जितनी हमें अच्छी लगी, जो हमारे कान सुन पाए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो हमारी पोल्यूशन के अंदर कैटेगरी में आ जाती है। इसकी यूनिट होती है डेसिबल, इट्स यूनिट इज डेसिबल। डेसिबल इसको हम लिखते हैं डीबी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। शोर की तीव्रता को जो मेजर करे वो यूनिट होती है डेसिबल। 40 से लेकर 50 डेसिबल ये वो लिमिट है जिससे हम सुनते हैं। ये सहमति सरकार ने इसकी दे रखी है कि ये अगर लिमिट है, इतने डेसिबल अगर है, 40 से 50 डेसिबल है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये हमारा नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर साउंड हमारी ज़्यादा है 50 डेसिबल के यूनिट, तो ये हमारी ह्यूमन ईयर्स की टेंडेंसी को इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारे एग्जांपल है लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के द्वारा अगर आवाज़ बाहर निकल रही है तो हम इसको मानेंगे कि ये नॉइज़ है, अगर वो 50 डेसिबल के ऊपर एक्सीड करती है। लेकिन जो शोर की ये जो लिमिट है, ये सहमति है ह्यूमंस के लिए, इंसान के लिए, फॉर ह्यूमन दिस इज़ द लिमिट 40 to 50 डेसिबल। लेकिन शोर की जो लिमिट है, जो कि व्हीकल लाउड स्पीकर हो गया, व्हीकल से हो गया या फिर मशीन से हो गया, ये लिमिट जो है हमारी वो 75 to 80 डेसिबल है। अगर इतनी लिमिट है तो भी हम इसको शोर में आएगा, अगर ये एक्सीड करती है 80 से तो हम इसको कंसीडर करेंगे पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन लीड्स टू, हमारे इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये, इसमें आपको देगा मेंटल रेस्टलेसनेस, कार्डियक प्रॉब्लम, दिल की धड़कने तेज होना, दिमाग आपका आराम से नहीं रहना, दिस इज कार्डियक अरेस्ट, या तो आपको हार्ट अटैक आएगा या फिर आपको हाइपरटेंशन मिलेगी, आप बीपी के पेशेंट बन जाएंगे। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आवाज़ उतनी ही बर्दाश्त करें जितने हमारे कानों को अच्छी लगे। अब हम आते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पे। अब हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मतलब कि रेडियो थर्मी प्रदूषण,
रेडियोधर्मी प्रोड्यूशन, ये किसकी वजह से होता है? जो रेडिएशंस हमारे रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, रेडिएशन रिलीज करने के जो सब्सटेंस होते हैं वो होता है यूरेनियम, विच इज़ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियम, प्लूटोनियम एक्सेट्रा। जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं वो भी हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर आते हैं। एक मूवी थी आई गेस अक्षय कुमार की, दैट वाज लाइक क्या नाम था उसका, दैट इज 2.0, जिसमें अक्षय कुमार कुछ पक्षी राजन बने हुए थे। उसमें क्या दिखाया गया था कि लाइक बर्ड्स, उनको रेडिएशन की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती, दे यूज टू डाई या फिर वो अपना रास्ता भूल जाते हैं, उन्हें अपनी डिस्टेंस नहीं मिलती है सिर्फ रेडिएशन की वजह से, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं, दीज आर द मेटल्स विच रिलीज वेरी वेरी हार्मफुल रेडिएशंस इन द एनवायरनमेंट। अब क्या होता है, जो हमारे सोर्स हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या हैं? प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल ना होना, अगर इम्प्रॉपर हमने तरीके से इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, अगर हमने तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करा है हमारे एनवायरनमेंट से, तो वो एक्युमुलेट होता चला जाएगा। इसलिए इसका बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन या कुछ भी बनाते हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में लीकेज, न्यूक्लियर पावर प्लांट लीकेज, ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के लिए। फिर क्या होता, हमारे यहाँ यूरेनियम की माइनिंग होती है, अगर इसका प्रॉपर ऑपरेशन नहीं हुआ तो भी हमारे सोसाइटी में रेडियो एक्टिव डिजास्टर होंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पहले रेडियो एक्टिव डिजास्टर कॉज हुए हैं, जो रेडियो एक्टिव कॉज हुए हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। पहला था थ्री माइल आइलैंड, ये नाम था एक डिजास्टर का, एक माइल आइलैंड पे कॉज हुआ था, जहाँ पे यूरेनियम का काम हो रहा था इन यूएसए में 1979 में। दूसरा था चेर्नोबिल डिजास्टर, जो कि यूक्रेन में कॉज हुआ था इन 1986 में, और ये न्यूक्लियर चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था जहाँ पे ये डिजास्टर कॉज हुआ था। तो ये हुआ हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अब हमारे कुछ लॉज हैं जिनके जो इन्वायरमेंट के लिए पर्टिकुलरली हमारे यहाँ रखे गए हैं, अब हम उन लॉज के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि उन लॉज में क्या क्या आता है। तो वाइल्ड लाइफ लॉज हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्टिकुलरली। एनवायरमेंटल लॉज इन इंडिया, पहला क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1992 में हुआ था, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो हमारा पास हुआ था इन 1992। इसमें क्या प्रोटोकॉल फाइनल किया था सरकार ने कि जितनी भी हमारे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे छोटे जीव जंतु हो, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और ये हमारी सरकार ने लॉ पास करा था इन 1992। फिर हमारा दूसरा लॉ आया द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ
पॉल्यूशन एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1994 सॉरी इट वॉज इन 1974 ओके तो इसमें क्या हुआ था ये वाटर प्रोटेक्शन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन था जिसमें हमसे ये बोला गया था कि हम अपने पानी को बचा के रखेंगे प्रिवेंट करेंगे ताकि हमारे पानी के रिसोर्सेज तालाब नदी लेक कम नहीं हो और हमें कभी पानी की स्कैरसिटी कभी कमी नहीं हो और उसके अंदर हमें पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना था इसको प्रिवेंट करना था पानी को बचाना था और कंट्रोल करना था पॉल्यूशन को ताकि हम उसमें गंदगी नहीं भेजें और जो हमारे पानी के रिसोर्सेज हैं वो गंदे नहीं हों और हमारे लिए हमेशा अवेलेबल बने रहें। तीसरा आया द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये पास हुआ था हमारा 1980 में। इस एक्ट में ये बोला गया था कि जो हमारे दिन पे दिन पॉल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है आए दिन हमारे यहाँ भीड़ इकट्ठा होती जा रही है लोग आ रहे हैं बच्चे पैदा हो रहे हैं तो लोगों को रहने के लिए रिसोर्स भी चाहिए चाहे वो खाना हो चाहे जगह हो तो हमने घर क्रिएट करने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटेंगे तो जगह मिलेगी पर हमें कभी ये नहीं समझ में आया कि अगर जंगल ख़त्म हो गए तो हमारे पास ना रहने को होगा ना खाने को। तो ये एक एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था 1980 में जिसमें बोला गया था कि हमें अपने फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना है। चौथा एक्ट था द एयर एयर प्रिवेंशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट विच वॉज पास्ड इन 1982 ये एयर के लिए था हवा वायु के लिए। इसमें ये बोला गया था कि जो हमारी आसपास की हवा है उसको हमें प्रिवेंट करना है साथ ही साथ जो पॉल्यूशन हम रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट दूषित हो रहा है हमारे आसपास की हवा दूषित हो रही है क्योंकि हम सांस तो उसी हवा में लेते हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं और वो हवा हमारे अंदर ही जा रही है और वो उसमें कुछ है ही नहीं सिर्फ पॉल्यूटेंट्स हैं तो हमें तो शरीर से वैसे भी नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहला काम है कि हमें अपने आसपास की हवा को सही रखना है। पाँचवा था द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पास किया गया था 1986 में। इस एक्ट में ये बताया गया था कि हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट को वातावरण को बचाना ही है उसमें हवा भी आती है पानी भी आता है और बाकी और रिसोर्सेज भी आते हैं चाहे पानी हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो चाहे पेड़ हो चाहे जंगल हो चाहे आसपास की हमारी सोसाइटी हो उसमें चाहे छोटे छोटे जीव जंतु हों पेड़ हों पौधे हों उन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है अगर हमें इस सोसाइटी में रहना है। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूशन। हमने बेसिक बेसिक जाना सिर्फ जनरल जाना हमने कि पोल्यूशन क्या होता है पोल्यूशन के अंदर पोल्यूशन को कारण क्या है कि हमारे समाज में पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमें दिक्कतें हो रही हैं। फिर हमने जाना कि कितनी तरह के पोल्यूशन हैं एयर पोल्यूशन जल पोल्यूशन देन हमारा नॉइज पोल्यूशन फिर हमारा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हमारा सॉइल पोल्यूशन हमारी मिट्टी कैसे खराब हो रही उसके बारे में और कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन को कॉज कर रही हैं। फिर हमने जाना भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कैसे हुई क्या हुआ था उस ट्रेजेडी में और वो एयर पोल्यूशन का ही एग्जाम्पल है ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने बात करी इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया कि इंडिया में हमारे बेसिक बेसिक कौन से लॉज आए हुए हैं जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को बचा के रख सकते हैं हमने इसके बारे में बात करी। अब हम एक टॉपिक पे बात करते हैं ये क्या है ये क्लाउड सीडलिंग है एकदम नया वर्ड है पर ये इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है हम इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज क्लाउड सीडिंग व्हाट इज क्लाउड सीडिंग दिस इज क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग की बात करें अगर हम इसकी हिंदी में बात करते हैं तो ये है आर्टिफिशियल बारिश मतलब कि जैसे कि इंडिया में हमारी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती
तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या प्लान बनाया कि अगर वहाँ बारिश नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, नहीं हो रही है हम कराएंगे। हमारा साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, उसने हमें बताया कि हम आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं। आर्टिफिशियल बारिश के लिए उसने क्या इस्तेमाल करा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं उन्होंने इम्प्लांट कराए, सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स वो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर द्वारा किसी एक जगह के, एक जगह मान लीजिए यहाँ बादल हैं, यहाँ पे पहाड़ है, इसके पास हमें सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स हमने हेलीकॉप्टर के द्वारा रिलीज कराए। वो यहाँ गिरे आके जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं हमारे क्लाउड के, ये हमारे बादल के कॉन्टैक्ट में आए, फिर ये फॉर्म करते हैं आइस। आइस का फॉर्मेशन होता है एंड व्हेन दिस आइस गेट मेल्टेड इट फॉर्म्स कॉजेस वाटर व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ रेन। दिस इज नोन एज क्लाउड सीडिंग, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल बारिश जो हम अपने तरीके से कराते हैं। अब कंपोजिशन क्या होता है, जो ये सिल्वर आयोडाइड होता है इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, क्या पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं आइस के फॉर्मेशन में। तो इसके अंदर आता है हमारा सेवेंटी % पोटेशियम क्लोराइड आता है। दूसरा हमारा आता है 13% सोडियम क्लोराइड, फिर हमारा आता है 5% मैग्नीशियम, और लास्ट में 12% सेडिमेंट्री मटेरियल। ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइस के फ्लेस फॉर्म करने के लिए, जो कि हम आर्टिफिशियल तरीके से इनकॉर्पोरेट कराते हैं इन सब जगहों के लिए। और क्लाउड सीडिंग बेसिकली ये हमारी अभी फेमस है कर्नाटका और महाराष्ट्र में, लेकिन ये इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाई है कि हम इसको कंटिन्यू करें, पर साइंटिस्ट अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। अगर ये फ्रूटफुल रिजल्ट देती है तो शायद हमारे यहाँ अगर पोल्यूशन इंक्रीज करती रही, बारिश हमारे वैसे भी कम होने लगी है, खेतों में फसल के लिए जो हमें पानी चाहिए वो शायद हम रेन इससे करवा पाए, मे बी फ्यूचर में ये बेनिफिशियल हो सकता है। सो अभी आज के लिए हम इतना रखते हैं, सिर्फ बेसिक हमने जाना है, इसकी कंटिन्यूड हम आगे काम करेंगे इस पर, तब हम पॉल्यूशन की डिटेल्स में जाएंगे, हम एक एक प्राइमरी सेकेंडरी फैक्टर्स कि पहले कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं पॉल्यूशन के लिए उस पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, देन हम बात करेंगे ओजोन के बारे में, स्मोक के बारे में एंड एसिड रेन के बारे में। दिस टॉपिक विल बी कंटिन्यूड। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा यू कैन डिस्कस इट, बाकी ये बेसिक पॉल्यूशन था, फिर हम इसके आगे एडवांस में बात करेंगे। थैंक यू।